ZD News के मौजूद सामईन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पीसीबी का वर्ल्ड कप के फौरी बाद कौमी क्रिकेट टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला। दोस्तों, शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज टूर्नामेंट के बाद टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। दोस्तों, कप्तान सरफराज अहमद की भी तब्दीली का अमकान। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाजमी से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियों की तैयारियां शुरू कर दी गई। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी कौमी टीम में बड़े पैमानों पर तब्दीलियों करने का ख्वाह है। दोस्तों, बताया गया कि वर्ल्ड कप के बाद सीनियर ऑलराउंडर शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज के क्रिकेट करियर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को कौमी टीम का मजीद हिस्सा बरकरार रखने के मूड में नहीं है। दोस्तों, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, पीसीबी वर्ल्ड कप के अख्तिताम के फौरी बाद अगले वर्ल्ड कप और खासकर अगले बरस शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज करना चाहता है। दोस्तों, इसलिए कोशिश है कि टीम में ज्यादा से ज्यादा नौजवान खिलाड़ी शामिल किए जाएं। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस कबल बनाया जा सके कि ये जदीद तर्ज की क्रिकेट खेल सकें। दोस्तों, इसी वजह से मौजूद टीम के खिलाड़ी शायद वर्ल्ड कप के बाद कौमी टीम का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे। दोस्तों, वाजह रहे कि वर्ल्ड कप में सफर तमाम, पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। दोस्तों, क्या वर्ल्ड कप के बाद कप्तान सरफराज अहमद को हटाया जाए या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप देखना चाहते हैं क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले तो बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।